हेलो बच्चों आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड सेकेंड लेसन नंबर टू पॉइंट फोर स्टोरी टाइम यूनिटी स्ट्रेंथ इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे तो ए आंसर द फॉलोइंग वन व्हाई वाज द ओल्ड मैन वरीड बूढ़ा आदमी परेशान क्यों था आंसर द ओल्ड मैन वाज वरीड बिकॉज हिज सन्स वेर ऑलवेज क्वारलिंग विथ ईच अदर बूढ़ा आदमी इसलिए परेशान था कि उसके बच्चे हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते थे सेकेंड वॉट हैपेंड वेन द सन्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स जब बच्चों ने स्टिक्स के बंडल को तोड़ना चाहा तो क्या हुआ आंसर द सन्स कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स बच्चे वो स्टिक्स के बंडल को नहीं तोड़ पाए थर्ड व्हाट हैपेंड विद द सिंगल स्टिक्स अकेली लकड़ियों के साथ क्या हुआ आंसर इन नो टाइम द सिंगल स्टिक्स वेर बेंट एंड ब्रोकन बच्चों ने उसको फौरन ही बेंट और बैंड कर दिया और तोड़ दिया फोर वॉट लेसन डिड द सन्स लर्न बच्चों ने क्या सबक सीखा आंसर द सन्स लर्न द लेसन यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल बच्चों ने सबक सीखा के साथ में रहकर हम खड़े रह सकते हैं और अगर हम अलग अलग हो तो हम गिर जाएंगे यानी कमज़ोर हो जाएंगे बी अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यानी ये सेंटेंस के वर्ड्स आगे पीछे दिए हुए हैं इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जैसे पहले एग्जाम्पल दिया है वरीड मैन वॉज ओल्ड द तो, इसको सही, इसका, तो, Second, तो इसका सही इसका प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होगा द ओल्ड मैन वॉज़ वरीड तो ऐसे ही बाकी सबको करना है सेकेंड एवरीथिंग फॉर फाइट दे वुड तो क्या आएगा इसका सही ऑर्डर दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग फर्स्ट वर्ड तो आपको ईजिली मिल सकता है फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर होता है तो इसमें दे में कैपिटल लेटर है तो वो फर्स्ट वर्ड हो गया बाकी को आपको अरेंज करना है तो दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग थर्ड स्टिक्स ऑफ द बंडल डिड ब्रेक नॉट तो इसका सही ऑर्डर क्या आएगा द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक अभी फोर्थ ईजिली ब्रोकन स्टिक अ सिंगल इज तो इसका सही ऑर्डर क्या है अ सिंगल स्टिक इज ईजिली ब्रोकन फिफ्थ स्टैंड डिवाइडेड फॉल यूनाइटेड वी वी तो इसका क्या है सही ऑर्डर यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल अभी सी, फाइंड द स्मॉल वर्ड्स हिडन इन द बिग वर्ड यानी ये जो वर्ड दिया है इसके अंदर से छोटे छोटे दूसरे वर्ड्स हमको ढूंढना है जैसे एग्जाम्पल ये लोग ने दिया है एवरी थिंग तो इसके अंदर से क्या क्या मिल सकता है एवरी थिंग वेरी थिंग तो इसी तरीके से हमको आगे वर्ड्स में करना है तो सेकेंड है फ्रेंडशिप तो शिप एन डी एंड एच आई पी हिप ये इसमें से छोटे छोटे वर्ड्स निकल रहे हैं और भी निकल सकते हैं आप ढूंढेंगे थर्ड सेपरेटेड तो इसमें क्या हो सकता है सेपरेट रेट रैट पार्ट फोर्थ टूगेदर तो टू गेट हर अदर ये छोटे छोटे वर्ड्स निकल रहे हैं डी रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंज द कलर्ड वर्ड्स विद न्यू वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू सेंटेंस अब ये सेंटेंस रीड करना है और इसमें जो वर्ड्स को कलर किया हुआ है उसको रिप्लेस करके उसके जगह पे दूसरा वर्ड यूज़ करना है और सेंटेंस को चेंज करना है जैसे एग्जाम्पल वो लोग ने दिया है द ओल्ड मैन वॉज वरीड तो इसमें जो कलर्ड वर्ड्स थे उसको चेंज कर दिया है यंग वुमन वॉज हैप्पी ओल्ड को यंग कर दिया मैन को वुमन कर दिया वरीड को हैप्पी कर दिया तो ऐसे ही हमको करना है नंबर टू ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट तो ही की जगह पे हम शी कर सकते हैं बंडल की जगह पे हमने क्लॉक डाल दिया है ब्रेक की जगह पे रिपेयर डाल दिया है आप लोग और भी कुछ भी डाल के नया सेंटेंस बना सकते हैं तो ये क्या हो गया शी टुक द क्लॉक एंड tried टू रिपेयर इट अभी थर्ड एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज फोर सन्स इन अ विलेज तो हम क्या लिख सकते हैं एन ओल्ड वुमन लिव्ड विथ हिज फोर डॉटर्स इन अ सिटी ऐसा ये कलर्ड वाले वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं फोर्थ दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न अ लेसन दिस टाइम द सिस्टर्स लर्न अ प्रेयर तो ब्रदर को सिस्टर कर दिया लेसन को प्रेयर कर दिया तो so आप लोग ऐसे ही चेंज कर सकते हैं फिफ्थ ही गेव दैम स्मॉल स्टिक्स शी गेव दैम बिग स्टोन्स अब ये लास्ट ई राइट द वर्ड्स दैट टेल अ समथिंग अबाउट द वर्ड्स एट द सेंटर अब ये फूल बना हुआ है और इसके सेंटर में वर्ड है मैन ट्री और फ्लावर और एक एक वर्ड दिया हुआ है ओल्ड बिग पिंक तो ओल्ड मैन ऐसा बनता है तो और भी इसके आगे चार जो पेटल्स दिए हैं उसमें चार वर्ड्स हमको डालना है वो मैन के साथ मिलना चाहिए तो क्या डाल सकते हैं ओल्ड की जगह पे यंग मैन टॉल मैन शॉर्ट मैन फैट मैन तो ये ऐसा कोई भी वर्ड्स आप लोग इसमें डाल सकते हैं अब ट्री में दिया है बिग ट्री तो और क्या क्या डाल सकते हैं स्मॉल ट्री ग्रीन ट्री टॉल ट्री मैंगो ट्री तो आप लोग और भी वर्ड्स ढूंढ के डाल सकते हैं बच्चों फ्लावर पिंक फ्लावर दिया हुआ है तो और क्या डाल सकते हैं रेड फ्लावर येलो फ्लावर रोज़ फ्लावर व्हाइट फ्लावर तो आप लोग और भी कोई वर्ड्स देख के डाल सकते हैं बच्चों तो ये क्वेश्चन आंसर्स यहाँ खत्म हो गए नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय